अर्थात राधिका जी मंच पे रहते हुए बाकी साथियों और हमारे संघर्ष के बीच में जो कार्यकर्ता आज है, सबसे पहले हम आज राधिका जी को सलाम करते हैं। उनकी बहादुरी, उनकी निडरता उन्हें भी पहुंच जाती है, जीशा के पास भी पहुंच जाती है। और राधिका जी आप हम सबके लिए एक बहुत ही प्रेरणा मूलक एक आइकॉन बन गई है। आप बस चलते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, यहाँ हम जो आज मिल रहे हैं, हमको आज इंदिरा नगर पार्क में मिलना था और मुझे लगता है बहुत बड़ी शर्म की ये बात है कि जो तेलंगाना सरकार दलित संघर्ष के बिंदु पे बनी है, वो तेलंगाना सरकार आज ही इतने बड़े मुद्दे पे अपना न से मुंह फेर रही है, मगर केंद्रीय सरकार से हाथ में हाथ मिला। सबसे पहले मैंने ये पहले भी हैदराबाद में आके कहा था कि तेलंगाना सरकार से हमको जवाब मांगना चाहिए कि कब क्या वे वो एक धर्म निरपेक्ष प्रोग्रेसिव दलित साथियों की सरकार है या वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की साथी वाली सरकार। हमें साफ साफ ये पूछ लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में वादा किया था कि वो ये इश्यू को आगे ले चलेंगे। हर बार प्रोफेसर रत्नम, प्रोफेसर तथा सेन गुप्ता, 30 हमारे दलित स्कॉलर्स, बाकी स्कॉलर्स को जब पुलिस लेके गई थी तो वो केंद्र सरकार की पुलिस ने की, वो तेलंगाना सरकार की पुलिस। क्या हम ये सरकार से जवाब नहीं मांग सकते, डायरेक्ट जवाब नहीं मांग सकते कि आप किस बिंदु पे चल रहे हैं और किस मंशे की तरफ जा रहे हैं? दोस्तों, आज मुझे लगता है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और रोहित वेमुला का जो एक आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन जो उनको पीछे लग लग के अपाराओं ने जिस तरह उनको पीछे लग के उनको एक निशाना बनाया, मैं मानती हूँ कि सारे देश के और सारी दुनिया के मानव अधिकार मानने वाले बहन और भाई ये सवाल करेंगे कि रोहित की 18 दिसंबर की चिट्ठी की जवाब अप्पा राव ने क्यों नहीं दिया। 18 दिसंबर को जो चिट्ठी लिखी थी रोहित ने, एक महीना बीतने के बाद रोहित हमारे से बीच से चला गया। वो एक महीने में वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, अप्पा राव ने क्या किया एक महीने में स्टूडेंट्स के पास पहुंचने के? क्या ये केंद्रीय सरकार हमको कभी जवाब दे सकती है कि रिसर्च स्कॉलर की स्कॉलरशिप 7 महीने जब बंद हो जाती है तो किस तरह का ह्यूमिलिएशन आप रिसर्च स्कॉलर के ऊपर थोप रहे हैं? मैं यहां ये मन से ये देश के न्याय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से एक नम्रता से जवाब मांगना चाहती हूं। हमारा केस हाई कोर्ट में कब चलेगा? जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। केस वहां जा चुका है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सर्टिफिकेट आ चुका है और ये बेशर्म सरकार जो केंद्र में बैठी है आज भी इसी पे घुमा रही है कि रोहित और उनके परिवार दलित थे या दलित नहीं थे। ये शर्मनाक बात है। अट्रोसिटीज एक्ट मोदी के सरकार ने अमेंडमेंट कर डाले, मगर जब अट्रोसिटीज एक्ट को लागू करने का मौका आया, चाहे वो रोहित वेमुला का समय हो या जीशा का समय हो राजस्थान में, तब ये केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सरकार में ये बीजेपी की सरकार नहीं मानती। मैं इसको सरासर आरएसएस की सरकार मानती हूँ। और दोस्तों, आरएसएस की सरकार
संविधान में नहीं मानी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ का लिखा हुआ वो संविधान को आज भी आरएसएस अपने वेबसाइट पे नकारती है। वो कहती है बंच ऑफ थॉट्स ने जो गोलवलकर की किताब है कि हम चाहते हैं कि ये संविधान को पलटा दे, हमारे मरते दम तक ये पलटा नहीं सकेंगे। ये देश के वासी जो है, दलित समुदाय जो है, बहुजन समुदाय जो है, जिसकी वजह से ये संविधान धर्मनिरपेक्ष बना है, वो संविधान नहीं पहचानने देगा। मगर आज हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमें रोहित के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए इंसाफ चाहिए, हमें केंद्रीय सरकार के मंत्री चाहे बलदेव दत्तात्रेय हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी हैदराबाद हो, चाहे सुशील कुमार हो, जो भी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सस्पेंडेड वाइस चांसलर को वापस लाया जाता है। सस्पेंडेड वाइस चांसलर को उस वक्त वापस लाया जाता है जब इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी तो अभी खत्म हुई नहीं थी और आपने अप्पा राव को वापस लाकर पूरी तानाशाही हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मैं यहां ये मन से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को और वो प्रोफेसर्स को जिन्होंने मजबूती से खड़ा रहा उनको सलाम करता हूं और सारा देश आपकी तरफ देख रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब कांड हुआ, हम मानते थे उसी लिए हुआ क्योंकि आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डाइवर्ट करना चाहते थे, पूरा मुद्दा डाइवर्ट करना चाहते। राधिका बेमोला, राजा बेमोला, प्रोफेसर रत्नम, केपीएस, सारे संगठनों ने ये दिखा दिया कि रोहित बेमोला का कांड कोई भुला नहीं सकता। आज भी जब कलेक्टर का रिपोर्ट आ चुका है तो सेंट्रल कमीशन बैठा हुआ जज कहता है, जब उनको पूछा भी नहीं गया था, ये बात कहता है कि क्या ये परिवार दलित है या नहीं दलित है। इतनी बड़ी शर्म की बात। आप 18 दिसंबर का खत पढ़ लीजिए। अभी जब राधिका जी के आंखों में आंसू आए थे, वो इसलिए आए क्योंकि जो हमारे दोस्त गाना गा रहे थे वो गाना रोहित गाता था। 18 दिसंबर का जो रोहित का खत था, क्या हिम्मत होती है अपना राव को वो कुर्सी में बैठने की। उसने पूरा वो खत में लिखाया और सुनाया, सारे देश को सुनाया कि हमारे दलित भाई बहनों के साथ आज एजुकेशन में, आईआईटी में, एम्स में किस तरह का बदलाव होता है। ये सारा भारत के लिए सवाल है, ये हमारे लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है और सबसे ज्यादा केंद्र सरकार के लिए सवाल है। मैं मानती हूं अगर और हम सबकी अपेक्षा है कि 2019 के बाद फांसीवाद की सरकार जाएगी, इसीलिए जाएगी कि हमारे दलित भाई बहन ऐसा आंदोलन खड़े करेंगे कि ये सरकार का नामो निशान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में किताबें छापती है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे संत हैं, हमारे संत हैं वो कहते हैं। प्रधानमंत्री आंसू रोते हैं, स्मृति ईरानी दूसरा ड्रामा करती है, मगर जब रोहित बेमोला के
साथ कहाँ होता है? डेल्टा मेघवाल के साथ होता है, जीशा के साथ होता है, तब ये केंद्र सरकार को कोई कहने के लिए चीज बाकी नहीं होती। आज हमारे जगह पे अगर गौ रक्षक धरना करते होते उनको परमिशन मिल जाता, उनको इंदिरा पार्क में परमिशन मिल जाता, क्योंकि आज के भारत में गौ रक्षक बनना ज्यादा पावरफुल है, संविधान में मानना इतना पावरफुल नहीं है। ऊना में जो आंदोलन चला जिसमें भी राधिका जी शामिल हुई थी, वहां पे जमीन मारने की बात हो रही है, वहां पे स्लोगन ये उठ रहा है, गाय अगर आपकी माता है आप उसको दफनाइए, हमें जमीन दीजिए। ये जो खून खराबा मनुवादी ब्राह्मणवाद के नाम से जो हो रहा है वो ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और चूंकि रोहित रमुना ऐसा रिसर्च स्कॉलर था जो ऐसे सपना देखा था कि मैं कार्ल सगान जैसा बनूंगा, मैं कविता भी लिखूंगा, मैं साइंस भी पढ़ूंगा और मैं सोशल साइंस का एनालिसिस भी करूंगा, मगर आज हमारे देश में और देश की राजनीति में वो क्षमता नहीं है कि रोहित रमुना जैसे बहादुर इंसान को आगे बढ़ने दे। इसीलिए हमारे समाज में हमारे देश में उसको कुछ ना, एक तरफ जिम्मेदारी हम सब की है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। तो इसी मन से हाथ में हाथ मिला करके हम वादा लेके जाते हैं कि जहां पे इंसाफ की लड़ाई में रोहित रमुना अप्पा राव के खिलाफ जो केस चल रहा है उसके लिए जो भी मदद चाहिए हम आपकी हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हाईकोर्ट से हमारी अपील यहाँ से जानी चाहिए कि केस आप जल्दी सुनवाई करो, केस को मत टालो, केस बड़ा सख्त है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। अगर इंसाफ होने में देरी होती है इसका मतलब है इंसाफ नहीं होता है। आज राधिका रमुना मजबूत खड़ी है, उसके साथ राजा रमुना खड़ा है, हम सब उनके पीछे हैं।